हाइपरटेंशन या फिर हाई ब्लड प्रेशर एक बहुत ही आम समस्या हो गई है और इसको कंट्रोल करने के लिए आपको एक डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन हम आपको बता दें कि इस हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ जड़ी बूटियां भी काफ़ी कारगर हो सकती हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही जड़ी बूटियों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तुलसी की। आपको बता दें कि इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स को कई स्वास्थ्य लाभों से जोड़ करके देखा जाता है, जिसमें कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना भी शामिल है। तुलसी के अर्क से ब्लड को पतला करने में मदद मिलती है, जिससे कि आपका हाई बीपी को कंट्रोल किया जा सकता है। और इसमें जो अगला है वो है लहसुन। लहसुन को आप डाइट में शामिल करके ब्लड प्रेशर को आप कंट्रोल कर सकते हैं। लहसुन की एक या दो कलियों को रोज़ाना सुबह के टाइम खाली पेट खाने से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आपको बता दें कि लहसुन नाइट्रिक ऑक्साइड से भरपूर होता है, जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत ही ज़्यादा फायदा पहुँचाता है। इसी के साथ दोस्तों, जो तीसरी जड़ी बूटी है वो है अजमोद। दोस्तों, बीपी को कंट्रोल करने के लिए अजमोद को भी आप खा सकते हैं। अजमोद में विटामिन सी और कैरोटीनॉइड होता है, जो कि हाई बीपी को कंट्रोल करता है। कैरोटीनॉइड जो है वो एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और आपके बीपी को नियंत्रित रखता है। और दोस्तों, जो चौथी जड़ी बूटी है वो है इलायची। इलायची में दोस्तों बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो कि आपके हाई बीपी को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं। आप अपने खाने में दोस्तों इलायची का प्रयोग जरूर करें। तो दोस्तों, ये थे हाई ब्लड प्रेशर के लिए कुछ घरेलू उपाय। लेकिन इसी के साथ साथ दोस्तों, आप एक डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। और इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।